और भाई जब तक स्पॉइलर लगाया ना, मैं इसके साइड मिरर सेट करते करते थक गया। साइड मिरर सेट नहीं हुआ ढंग से। और ये हमारी 2 लाख रुपए की टेबल भी है, इन शॉर्ट 2 लाख रुपए की टेबल है ये हमारी। अभी ब्याह सगाई में काम आओगी। 3 चॉइस है आप लोगों के पास, क्योंकि यार देखो आप ऐसे बोलूंगा कि कमेंट करो, सब कहेंगे 0001 ले ले, 2 ले ले, वो लेंगे बाद में। खैर वो मेरे को सूट नहीं करते, मेरे को सूट जो करते हैं वो बता रहा हूँ। तो भाई जो ये सारा सामान है, ये तो गिफ्ट है मैडम का, मिठाई है, दिवाली पे जा नहीं पाया था मैं। और ये महिंद्रा का जो देना होता है, और आज चल रहे हैं हम सर्विस कराने फाइनली। बाकी जो ये सामान जो देना होता है टेम्परेरी नंबर का, वो बैंक में देके फिर निकल रहे हैं सर्विस के लिए। अभी थोड़ा जाम लग रहा है घर के बाहर, इसको हटा देते अंदर। लेट्स गो। हाँ जी जानीज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज फाइनली हम जा रहे हैं, पिछले व्लॉग में मैं जा नहीं पाया, अब तबीयत भी थोड़ी सी डाउन होगी, पता नहीं क्या होता रहता है एक तो, पर कोई बात नहीं, हम रुकेंगे थोड़ी ना। बाकी ये है कि इसकी सर्विस करवाने जा रहे हैं मस्टैंग की, इतने थोड़ा गर्म हो रही है, मैं बता देता हूँ आपको। आज इसमें लिखा नहीं आया, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, यहाँ पे लिखा आता है वो चीज़, मैं आपको दिखाऊँ क्या आता है लिखा हुआ। ये लिखा हुआ आया था, ये मैंने भाई को चैट में भेजा था, चेंज इंजन ऑयल सून। और फिर इस पर वो करा ओके, तो उसमें लिखा हुआ आ रहा था कि मतलब 5% है। फिर एक लैम्बो वाले भाई से हमारी रेस लगी थी थोड़ी, वो क्लिप्स मैं हो सकेगा तो डाल दूंगा। वैसे इतना मतलब इतनी क्लिप्स बनाई नहीं अभिषेक था उस दिन साथ मेरे, मतलब ढंग से बन नहीं पाई क्योंकि हमने भाई को आगे नहीं निकलने दिया। बाकी क्या कहते हैं, इसमें 5% था, फिर हमने भगाई वगाई उस दिन, 2 या 3% ऑयल रह गया था इसमें। तो वो मतलब फिर हम जब से खड़ी है दिवाली के बाद से ना गाड़ी, गोवर्धन भी था फिर आगे, वो हमारे गोवर्धन महाराज जी थे, तो फिर गाड़ी निकालता कैसे। तो आज टाइम मिला है तो अब जा रहे हैं इसकी सर्विस कराने। तो सारी डिटेल्स बताता हूँ कैसे कैसे क्या होता है, स्पॉइलर का भी बताऊंगा कि कितने का क्या स्पॉइलर है ये, और इसके फायदे क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। जल्दी से उसको राज को उठा लेता हूँ मैं, एंड फिर निकलते हैं, पहले बैंक एंड फिर सर्विस। बोल शंकर भगवान की जय। और अच्छी परफॉर्मेंस देती है। ब्रायो भाई ने ले ली 7 क्लास, सनम भाई ने चुपचाप फूट आ गया हमारे भाई हमें ना चुपचाप ले लियो और खुद ही चला रहा, हमारे तो लाउड भी ना करा। और दमादम कहां हो रही है भाई, ऐसा लगा सिस्टम बज रहा था। चलो तो जल्दी से पिक करते हैं, आए बच्चे हो, बच्चा जल्दी से पिक करते हैं। ये देखो ये सीन देख रहे हो, भाई से आज एक क्वेश्चन करूंगा मैं, ठीक है रुक जाओ। अरे जानी जी, इसको राज को पिक करने आया था, स्कूटी पे आ रहा है, और देखना आते ही पता क्या पूछेगा, भाई शादी कर लो, ठंड आ गई, मतलब शादी का सीजन आ गया, ठंड नहीं मतलब जो मतलब, अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब उल्टा हो तो आना, आते ही पूछेगा देख लो। ऐसा नहीं लगता सीडी लगा रखी हो भाई पीछे से कोई। चलो भाई मैं स्कूटी लगा दूं और फिर चलते हैं। एक हफ्ते से कह रहे सर्विस करवाएंगे। बाकी भाई से क्वेश्चन पूछेंगे अभी, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन पूछेंगे। मैं भाई आपके जानी इसको कह रहा था कि भाई से क्वेश्चन पूछेंगे। पूछो मेरा, मैंने भी कह दी आप ही पूछेगा, बता बता शादी कब करोगे। अरे भाई तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है, अगले लिस्ट का इंतजार करो, हमारा नाम नहीं है लिस्ट में। तो भाई लो कॉफी चल रही थी, अरे वो स्पॉइलर अपना देख लो, इसकी डिटेल्स मैं बता देता हूँ क्योंकि भाई यहाँ लग रहा है टाइम। तो ये है अपना स्पॉइलर 2 लाख रुपए का। पैसा ही पैसा हो गया, दो ही मान लो, क्योंकि फिटिंग विटिंग का सब कुछ लगा के एस्टिमेट मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2 लाख का। और ये मेरे भाई सचिन ने मंगवाया है, जो अपने रिश्तेदार भी है, किसी को चाहिए हो तो कॉन्टेक्ट अस, वो बाहर से मंगवा देते हैं, यूएस से मंगवाया भाई ने। कार्बन फाइबर है ऊपर पूरा, स्वान नेक स्पॉइलर बोलते हैं इसको, फॉर मस्टैंग एंड पोर्शा में भी हाँ ये लग जाता है, बाकी इसको स्वान नेक स्पॉइलर बोलते हैं भाई। और इतना डाउन फोर्स मारता है ये नीचे, जब मैं गाड़ी भगा रहा हूँ, मैंने उस दिन भी लैम्बो वाले से जब भाई से रेस हुई थी उस दिन भी बहुत डाउन फोर्स मारी थी, मेरे को फील हो रहा था। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ लुक के लिए है, ये एक्चुअल में नीचे डाउन फोर्स मार रहा था। और ये हमारी 2 लाख रुपए की टेबल भी है, इन शॉर्ट
2 लाख रुपए की टेबल है ये हमारी, अभी अभी ब्याह सगाई में काम आओगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। मनीष को दे रहा हूँ गाड़ी पूरा, मैंने देख लिया कहीं गाड़ी से कोई भी दिक्कत नहीं है। थैंक यू गाइस, आप लोगों की वजह से, ब्लॉग की वजह से मेरे को एक चीज और याद आ गई जो बतानी थी मनीष को, वो मैं अभी बता देता हूँ। हाँ ये थोड़ा सा होगा, ये वाला होगा, इसके साइलेंसर में से अभी डिकैट भी कराऊंगा ना गाड़ी। बाकी गाड़ी ओके है, स्पॉइलर एकदम ओके है, मस्त है। अब हम निकलेंगे भाई टैक्सी करके घर, और फिर मेरे को बैंक में जाना है, वो सारा काम करवाना है, तो फिर मैं अपना वो काम निपटा लेता हूँ। बाकी भाई बढ़िया तरीके से ले रहे हैं गाड़ी, ठीक है। तो फिर बाय बाय है अपनी रानी को थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गाड़ी में कहीं छोड़ता नहीं। तो अभी मनीष कह रहा है कि भाई 2-3 घंटे में कर दूंगा, मतलब शाम तक हम आ जाएंगे इसको ले रहे। ओके, 2 लाख की टेबल कहाँ है? 2 लाख की टेबल पे कॉफी ठा लो भाई। मनीष भाई के हवाले छोड़ के आ गए अपनी गाड़ी, अब वो कर लेगा, क्योंकि 4-5 घंटे में नहीं रुक सकता, रुक इसलिए नहीं सकता क्योंकि और भी काम है, ये रे काम, बहुत सारे काम और सारे पेपर सब है ना। तो अब हम अपने घर जा रहे कैब में दोनों भाई, और फिर गाड़ी हो जाएगी शाम तक, फिर 56 वाली रोड पर पैंक पे पता चली जाओगे तो हमने सर्विस होगी इसकी गाड़ी की। अपना ऐसे ही भाई जुकाम ही कहते हैं। तो लो भाई आ गई यूनियन बैंक, ये दे देते हैं गिफ्ट और पेपर और ले लेता हूँ, और फिर नंबर के लिए अप्लाई कर देते हैं इसके VIP नंबर के लिए। VIP नहीं ना, वो ना रिवील करूँ अभी, बाद में हर चीज़ अभी बता देंगे, मज़ा नहीं। ओके मिलते हैं। हाँ तो जानीज जुकाम जोरों शोरों पे है, क्योंकि शाम होती आ रही है अब, और हालत थोड़ी टाइट हो रही है। खैर कोई बात नहीं, तो चलता रहेगा। बाकी गाड़ी का टेम्परेरी नंबर का सारा सौदा दे दिया है, वो बैंक में देनी पड़ती है स्लिप, बता दूं मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे जो जानीज है जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, भगवान आप सबको सफल बनाए, और मैं इसलिए सारी चीजें दिखा रहा हूँ ताकि आपके भी काम ऐसे हो, फिर आपको पता रहे कि अरे पर्ची भी देनी है। बाकी कमेंट करके बता दो, अब इसकी फाइल देख आऊंगा मैं कि नंबर क्या ले। और 3 चॉइस है आप लोगों के पास, क्योंकि यार देखो आप ऐसे बोलूंगा कि कमेंट करो, सब कहेंगे 0001 ले ले, 2 ले ले, वो लेंगे बाद में। खैर वो मेरे को सूट नहीं करते, मेरे को सूट जो करते हैं वो बता रहा हूँ। 9 नंबर 9 लेना है, अब आप बता दो कैसे ले, सिंगल 9 ले, डबल 9 ले, ट्रिपल 9 ले, या चारों 9 ले, तो वो कमेंट करके बता दो मेरे भाई। मैं थारो अपना भाई राजा गुजर। राम राम जी भाई, भाई मैं आपको अपना राजा गुजर पावा जानी। तो बता देना भाई, हो फिर ले लेंगे, फाइल लगा देंगे। कमेंट करके बता देना कि गाड़ी थार किस पे अच्छी लगेगी, स्कॉर्पियो तो भाई लगी है उसमें ही है, 9 मतलब 9 आना चाहिए, मेन बात ही हो है, 9 मतलब 9, ठीक है। तो ठीक है भाई, अभी हमारी मस्टैंग हो जाएगी सर्विस पे, फिर वहां मिलते हैं लोगों को डायरेक्ट, ठीक है भाई। सफाई में तो मनीष ने कसर ना छोड़ दी, गाड़ी बाकी आज आप जैसे दिखावा होगी हमारी, दोनों रेडी। आओ तुम्हें 5 लीटर V8 इंजन दिखाता हूँ, दिस इज इट, इसके लगे 80 लाख रुपए। बढ़िया चमका दी, बढ़िया ऑन रोड है सारी चीज, ऑयल अप, अब चला तो एक बार देख लेंगे वो, तो खैर अभी देख लेंगे 56 वाली रोड पे कैसी चल रही है, क्या चल रहा है भाई, वो बिल का कर दो। मैं ये बता देता हूँ कि भाई बढ़िया, अभी तक तो सफाई और सर्विस तो मैं चला के ही बताऊंगा, अभी ब्लॉग में ही बता दूंगा, एंड ठीक है। और तो बाकी गाड़ी चमक ही रही है भाई,
रिव्यू तो तभी देंगे जब चलाएंगे, और ऑयल वॉयल में चेक कर लेता हूँ अभी अंदर से इंजन से कि ऑयल कितने परसेंट है। ठीक है, तो मैं बिल कराता हूँ फिर बिल बताता हूँ कितने का होगा। पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता है बाबू जी। अरे नोट चिपक रहे हैं, ये जान की इच्छा ना कर रहे। तो भाई 30-40 हज़ार की हमारी सर्विस हो चुकी है। हम कमेंट आएगा 30 की हुई है 40 की हुई है, बड़ा हरामी हो बेटा। वो तो भारी बिल दे दिया भाई मरीज ने। रमान भाई हमें डिस्काउंट देता है, किसी को भी सर्विस सर्विस करवानी हो तो कॉन्टैक्ट अस एंड यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन आर कमेंट सेशन, तो हम आपको बता देंगे। सस्पेंशन में ना सारा सिंथेटिक लुब्रिकेंट करा है एयरबोर्ड का, कंपनी का ब्रांड है, मतलब लुब्रिकेशन के अंदर ना जैसे लिक्विड वाली वगैरह है, बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो जैसे ये बुशकिट वगैरह है पीछे की, वो भी पता ही आपको थोड़ा चलता है, वो थोड़ी बहुत ना गाड़ी पानी होने के बाद हल्की फुल्की वो नॉर्मल रहता ही है, मतलब ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि भी कोई दिक्कत है गाड़ी में। हैंड ब्रेक का क्या था? वो हल्की सी प्ले रहती है, कुछ वैसे तो ठीक है ना, बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हैंड ब्रेक तो मैं भी लगाता हूँ, 2-4 पॉइंट पे अटक जाती है गाड़ी। हाँ ना ठीक है, वो तो कहना मैकेनिक अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए, वो तो एक चीज लिख देता जो पकड़ में, तो वो है, बाकी ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। शॉकर का थोड़ा बहुत वीक है, ब्रेक पैड वगैरह भी ओके है, बाकी सब पीछे के भगवान का, हम इतना कुदाते भी नहीं इस गाड़ी को, बस वैसे ही उस पे ना ग्राउंड क्लियरेंस इतना है, कुदाओगे तो वही बात है बस, ये तो यहाँ भी ब्रेक करो भी फिर वो थोड़ा बच के निकलनी पड़ती, गुड़गांव के तो रोड ही ऐसे है। अब कुछ यो बला लगा ली स्पॉइलर, अब बाइक वालों तो थोड़ा बच के, तो क्योंकि मुड़ते हुए दिक्कत दे सकता है, सीधे तो ये दिक्कत देगा नहीं भाई, 2 लाख रुपए लगाया है तो भाई थोड़ा बहुत तो देख के चलना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मनीष भाई थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया सर्विस करी है भाई, जो भी ब्लॉग देख रहा है सर्विस सर्विस करवानी हो कमेंट कर देना नीचे, मैं बता दूंगा भाई का एड्रेस सब सारी चीज, सेक्टर 33 गुड़गांव, और बॉस बाकी तो आप मनीष मिलेगा, रेफरेंस दे देना मेरा, डिस्काउंट भी देगा भाई। लो भाई तो फाइनली जोटा निकल रहा है भाई साहब, चमक तो रही है भाई, सेक्सी ओहो, अलॉय पलॉय सारा कच मार रखा भाई, कति एंड ही कर दिया भाई सिस्टम, बढ़िया चमक रही है ना लाइसेंस की वो रखी है, फोटो कॉपी गाड़ी का, एक पेपर नहीं है, और भाई क्या करा सारी चीज रखे, अभी कमेंट नहीं करा। बाकी हाँ एक चीज दिखा रहा हूँ, गाड़ी साइड में लगा लू चलते वक्त, व्लॉग ना करे ठीक से ना भाई, जो पटाखा फटा ना अभी, आप व्लॉग नहीं कर रहे थे जब मैं हल्की सी रेस लेके वैसे ही सुना, मैंने बाहर सुना पट पट, तो इसको बोलते हैं कि बढ़िया सर्विस हुई है। और बाकी मैं ज्यादा रिव्यू नहीं दूंगा, क्योंकि ज्यादा रिव्यू दे दिए तो फिर वही बात होगी कि गाड़ी चमक रही है धुल्ले में तो तारीफ कर रहे हैं ना भाई, ना पहले चलाऊंगा इसने यार पूरा बेरा में कैसी चलाऊंगा। तो जानी से एक चीज दिखाऊं, दिखा भाई अपना कैमरा देखो, ये होता है इंजन इन्फो, अरे टायर क्या हुआ ना, ये होती है सेटिंग्स, गाड़ी की सेटिंग, थारी सेटिंग ना साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे, ये होती व्हीकल सेटिंग, यहाँ गए ऑयल ऑयल लाइफ रीसेट पे, ये देखो 100%, अब ये जल्दी जल्दी कम आ जाता है। पहले सोचा था मैं आप लोगों को बोलूं कि नोट कर लेना डेट, अब ये कितने दिन में खत्म होगा, पर वो नहीं हो सकता, क्या बोलते हैं, हाँ भाई व्लॉग ना करन दे वे, हाँ जी भाई, किस नाम से भाई YouTube चैनल? बाबा जानी। हाँ। कहाँ से भाई? चकरपुर। ठीक है, तातो जाड़सा से? हाँ भाई। तो सब्सक्राइब करना भाई यार। ठीक है भाई। अपने आपसदारी में भाईचारा ऑन टॉप रखना चाहिए ना? ठीक है भाई, जय श्री राम है। हाँ तो भाई मैं क्या बता रहा था? भाई अभी सर्विस करा के एक बार वो कर रहा हूँ, अभी बजाता हूँ तो बाकी भाई अभी 4.4 की एवरेज दे रही है, वो तो फालतू की लिखी आ रही है, हम इसमें विश्वास नहीं करते, अभी देखो तेल इतना डलवाना पड़ेगा। बाकी ट्रैक इन्फो तो क्या ही बतानी, वो ट्रैक वाले दिन देखेंगे कभी, ये भी क्या बताना, ये इंजन इन्फो, टायर प्रेशर उल्टे सीधे हो रखे, ये ठीक कराता हूँ, 48 किलोमीटर चलेगी ये अभी,
वैक्यूम ठीक है, बैटरी वोल्टेज ठीक है, टेम्परेचर 73, ऑयल टेम्परेचर नॉर्मल, ऑयल प्रेशर नॉर्मल, इंटेल एयर सिलेंडर एयर, और ये वैक्यूम जो बनता है ना ये पहाड़ों में बड़ा अच्छा बनता है। चलो बच्चों बाय। ठीक है भाई, यही बताना था मेरे को, एंड स्पॉइलर के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि क्या है, और ये पीछे डाउन फोर्स मारता है ऐसे। ले भाई ये डाउन फोर्स मारता है बढ़िया स्पॉइलर ना, तो उससे क्या होता है गाड़ी और एरोडायनामिक की वजह से होती है। लैम्बो वैम्बो देखी है आप लोगों ने, पैनी होती है, और कोई भाई हमारा कोई ज्यादा इंटेलिजेंट भाई आके यूं कहते ना कि यार ये तो वैसे ही लगाया, कौन सा नाप के लगाया, भाई सब कुछ नाप के लगा, ऐसे ही कोई स्पॉइलर नहीं। और नाप के भी ना लगाओ ना, अगर गलत हवा काटे गए तो स्पॉइलर उड़ के, मतलब ज्यादा हाई स्पीड पर भी जाएंगे हम, मुंबई एक्सप्रेस वे का व्लॉग आने वाला है बहुत जल्दी, थार थूर लेके और ये सारी चीज लेके, इसकी टॉप स्पीड और एरोडायनामिक कैसा काम कर रहा है, मार भी रही है डाउन फोर्स इतना नहीं मार रही, तो क्या कहते हैं, तो ये सारी चीज हम उस व्लॉग में आप लोगों को बता देंगे। बाकी गाड़ी भाई बहुत अच्छी साफ लग रही है, पूरा वो रिव्यू तो मैं कर दूंगा। बाकी अब 56 वाली रोड पे चलते हैं, पर भगा के देखते हैं अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो। भाई जब तक ये स्पॉइलर लगाया ना, मैं इसके साइड मिरर सेट करते करते थक गया, साइड मिरर सेट नहीं हुआ ढंग से। कभी मन करता है कि स्पॉइलर भी देखो कोई भिड़ा ना दे, फिर ज्यादा ऊपर हो जाता है। दो चार चीजें है इसकी डिसएडवांटेज, बट हाँ ये है कि Baby is back. तो भाई अभी आएंगे यहाँ से, तो एक बार इसकी साउंड चेक करेंगे कैसी आएगी। आ जाओ भाई, आ जाओ। तो भाई अभी देखो, भाई आएंगे अभी तो सुनते हैं इसकी आवाज कैसी होती है ड्राइव पे। मेरे को तो दिख ही ना रही, और भाई बच गया रे। भाई साहब, भाई कितनी छोटी लग रही है स्पॉइलर लगाने के बाद, ऐसे लग रही और छोटी। सही है। अरे बेबी मैं घर पे अकेली हूँ। सही है भाई, मेरे को तो सही लगा। बाकी अपना क्या कहते हैं, सही है। पुश अच्छा मार रही है, थ्रो अच्छा मार रही है, एंड क्या बोलते हो उसे, इंटेक विंटेक अच्छा ही लग रहा है भाई अभी तक तो। बाकी धीरे धीरे चला के पता चलता है, इतनी सी डिस्टेंस में क्या ही पता चलेगा। बाकी कैसा व्लॉग लगा जरूर बताना, कीप सपोर्टिंग कीप लविंग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को ऑन करना ना भूले, क्योंकि बाबा जानी अगर तुम्हारे फोन में रहेगा तो तुम्हारी किस्मत भी खुलती रहेगी। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन, लव यू।